देखो यार, हम बात कर रहे हैं दो कैमरों के बारे में। एक तो है कैनन M50 और एक है सोनी A6100। दोनों जो है अपने अपने प्राइस के बेस्ट कैमरे हम मान सकते हैं, क्योंकि कैनन का ये जो कैमरा है ये मेरे हिसाब से तो 50 या फिर 60 हज़ार के नीचे के हम कैमरे की बात करें तो ये सबसे बेस्ट कैमरा है, क्योंकि ये एक मिररलेस कैमरा है। वैसे तो यहाँ पर कैनन 200D मार्क टू भी है, बट उसको मैं बेस्ट नहीं मानता हूँ किसी कारणों के वजह से। कारण कभी और किसी वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। जो A6100 है ना, इससे ऊपर A6400 इससे बेहतर है, बट ये थोड़ा सा झमेला हम एक बार खिचड़ी देखते हैं। तो जो A6100 कैमरा है, इसकी कॉस्ट अभी लगभग 70,000 रुपये, और ये जो M50 है इसकी है 55,000। तो 15,000 का तो ये बेसिकली गैप है। तो हम देखते हैं कि इस गैप का क्या सोनी हमको कुछ एक्स्ट्रा फीचर देता है या नहीं देता है, क्या क्या चीज़ें हमको जो है A6100 में बेहतर मिलती है और क्या क्या हमको M50 में बेहतर मिलती है। दोनों ही 24-24 मेगापिक्सल के कैमरे हैं, तो मेगापिक्सल तो यहाँ पर ज़्यादा तो ऐसे इफ़ेक्ट नहीं डालता है फ़ोटो में, बट रेजोल्यूशन का तो फ़र्क पड़ता ही है। बेसिकली हम रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो दोनों कैमरों की जो इमेज का हाईएस्ट रेजोल्यूशन निकलता है वो है 6000 × 4000। तो सिमिलर रेजोल्यूशन दोनों का निकलता है। ISO परफॉर्मेंस दोनों ही सिमिलर सा ही परफॉर्म करते हैं, बट सोनी का जो है ना, शुरुआत से ही जब से इन्होंने कैमरे बनाए, उनका जो सेंसर है इमेज कैप्चर करने वाला वो थोड़ा सा बड़ा है। तो ISO परफॉर्मेंस में आपको थोड़ा सा लिटिल बिट सोनी A6100 बेहतर काम करता हुआ दिखेगा। वहीं पर M50 Mark II भी ऐसे इतना कुछ ख़राब नहीं है, 19-20 का ही आपको जो है ISO परफॉर्मेंस में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, कंपेरिजन या फिर कॉम्पिटिशन दोनों के बीच में। अब हम बात करते हैं ऐसे ISO बढ़ा कहाँ तक सकते हैं। तो ऑटो ISO दोनों में दिया गया है, ऐसे हम 100 से लेकर के 52,000 तक ISO को हम बूस्ट कर सकते हैं दोनों में। दोनों जो है यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस है, जो कैनन M50 है ये 10 फ्रेम पर सेकंड पिक्चर्स क्लिक कर सकता है, ये 11 फ्रेम पर सेकंड पिक्चर्स क्लिक कर सकता है सोनी A6100। दोनों में जो है इतना कुछ ऐसे इमेज क्वालिटी का हम देखें तो फ़र्क नहीं है। वो जो डिफरेंस है ना 15,000 का, तो वो आपको दिखेगा ही नहीं जब आप दो इमेजेस को ऐसे चेक करोगे कि यार यार ये तो सोनी से ये कैनन से, तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, ना ही दिखेगा। इमेज कलर की हम बात करें तो वो कैनन में थोड़े से बेहतर निकलते हैं आउट ऑफ द कैमरा, ऐसे लोग भी बोलते हैं। और बेसिकली मैं भी जब कभी कभी देखता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि हाँ यार, आउट ऑफ द कैमरा कैनन के थोड़े बहुत कलर अच्छे निकलते हैं। वीडियो की हम बात करें 1080p की, तो कि ये जो A6100 है ये 120fps तक शूट कर सकता है वीडियो, और ये सिर्फ 60p तक ही 1080p वीडियो शूट कर सकता है। अगर हमको 120fps पर वीडियो शूट करना है तो हमको 720 पर ही ये कैपेबल करवा सकता है स्लोमो वीडियो। तो एक स्टेप हम इसको यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, बट उसी पॉइंट को हम ऐसे दूसरी तरीके से देखें तो कैनन M50 ऐसे यूजबिलिटी में ज़्यादा सरल है A6100 के मुकाबले। क्यों? कि हम इसमें जो वेरिएबल डिस्प्ले डाली गई है 180 वेरिएबल डिस्प्ले, तो हम खुद के व्लॉग बना सकते हैं। फुल्ली टच स्क्रीन डिस्प्ले है, हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, ISO, शटर स्पीड, हर चीज़। वहीं पर हम बात करें A6100 की, तो ये ऐसे टच स्क्रीन है इस कैमरे में, बट इन्होंने इसको ना ऐसे बांध कर रखा है, सिर्फ हम जैसे कि ऐसे फोकसिंग के लिए इस टच को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें जो है मेन्यू को नहीं छेड़ सकते हैं। इसमें टिल्ट अप वाली डिस्प्ले डाली गई है, जिससे हमको क्या दिक्कत होगी, खुद का फेस तो दिख जाएगा ऐसे व्लॉगिंग करते वक्त, बट यार वो होटसू जो आता है ना, वहाँ पर ना ही हम फ्लैश लगा पाएंगे ना ही माइक लगा पाएंगे, तो ये एक झमेला है थोड़ा सा। मेरे को तो ऐसे घटिया ही लगा है। इसके पास ऐसे पहले से ही लाइसेंस है इस डिस्प्ले का, तो यार सोनी को डालना चाहिए, पैसे भी तो ज़्यादा ले रहा है ना, फिर भी नहीं डाल रहा, तो ये आपके लिए एक लिमिटेशन हो सकती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना डिस्प्ले का। यहाँ पर वेरिएबल और टिल्टेबल ऐसे दोनों ही डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलती है। अगर हम बात करें इन दोनों व्यू फाइंडर की,
इन दोनों ही कैमरों में। तो दोनों ही कैमरों में हमको EVF यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे बेसिकली इस टॉपिक पर भी हम बात करें तो जो कैनन में व्यू फाइंडर दिया गया है वो बीच में दिया गया है। तो जब आप फोटोग्राफी करोगे वीडियोग्राफी करोगे तो आपके ऐसे आँख दर्द नहीं करेगी, क्योंकि बीच में जब होता है ना तो हमारी आँख भी ऐसे ढक जाती है कैमरे से, तो दोनों आँखों के ऊपर लोड नहीं पड़ता है। वहीं पर A6100 या फिर A6400 किसी भी कैमरे की हम बात कर लें तो इनमें क्या होता है, व्यू फाइंडर साइड में दिया जाता है, उससे थोड़ा सा तो वो रहता ही है यार कि भाई ऐसे एक आंख तो यहाँ पर हम लगा ले, यहाँ पर से कैमरा जब ख़त्म हो जाता तो इस आंख से हर चीज़ दिखती रहती है, तो वो थोड़ी सी दर्द करती है। प्लस यहाँ पर जो M50 Mark II का जो EVF व्यू फाइंडर है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन है, क्योंकि इसमें जो है डॉट्स ज़्यादा रेजुलेशन बढ़ा दिया गया है। वहीं पर इसमें जो है 1.5 मिलियन का रेजुलेशन सोनी में डाला गया है, यहाँ पर 2.5 मिलियन डॉट्स डाले गए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इसका जो ऐसे तो ऐसे नॉर्मली हम जैसे लाइफ में यूज़ करेंगे तो ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा, बट हाँ ये भी एक चीज़ है। अगर हम ऑटो फोकस पॉइंट्स की बात करें तो इसमें जो है A6100 में 450 के आसपास ऐसे ही कुछ ऑटो फोकस पॉइंट्स डाले गए हैं, जो कि लगभग काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पर इसकी हम बात करें तो इसमें लगभग कितने थे, ऐसे 200 के आसपास थे। ऐसे बेसिकली ट्रैकिंग में फोटोग्राफी में पॉइंट्स इतने वर्क नहीं करते हैं, ये एक मार्केट स्ट्रेटजी ही मान लेते हैं हम। दोनों को ऐसे ऑटो फोकस के मामले में हम टक्कर दे रहे हैं तो दोनों सिमिलर से ही परफॉर्म करते हैं अपने किट लेंस के साथ। दोनों ही कैमरों के ऐसे बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, जो कि A6100 है ये 420 वॉट लेता है और ये जो M50 है ये 320 वॉट लेता है। तो 100 इमेजेस का आपको दोनों में अंतर देखने के लिए मिलेगा, और 1 घंटे का वीडियो ये रिकॉर्ड करता है, 1.5 घंटे का वीडियो ये रिकॉर्ड करता है। अब तो सोनी जो है गर्म भी नहीं होता वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त, ये भी नहीं होता है। 4K दिया गया है सोनी A6100 में, ये जो 4K है प्रॉपर 4K है, बट सोनी में जो इनकी जो लॉग प्रोफाइल होती है ना S-Log1 S-Log3 S-Log2 तो ये वाली इसमें नहीं डाली गई है। इन चीज़ों के कारण अगर मैं आपको बताऊं कि आपको इसे प्रोफेशनली आपको इस फील्ड में आना है तो 80,000 रुपये देकर के आप A6400 कैमरा भी ले सकते हो। वो एक वेदर सील और उसमें जो है लॉग प्रोफाइल और कुछ सोनी की ऐसे चीज़ें होती है जो कि उसी कैमरे में आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो इन दोनों का कंपैरिजन भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जल्दी ही, बट आज इन दो कैमरों के बारे में ही हम जानते हैं। इन दोनों ही कैमरों में वाईफाई ब्लूटूथ दिया गया है। M50 Mark II में NFC का ऑप्शन भी आपको एक एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है, बट आजकल NFC कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बेसिकली वाईफाई से हमारा सारा काम हो जाता है। USB से चार्ज हो जाता है A6100 कैमरा, ऐसे पावर बैंक लगा दो और कैमरा USB से चार्ज हो जाता है, बट ये जो M50 Mark II है ये USB से चार्ज नहीं होता है, इसके लिए आपको जो है इसकी बैटरी बाहर निकालनी पड़ेगी और चार्जर में चार्ज करना पड़ेगा। दोनों ही कैमरों में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग दी गई है, बट जो M50 Mark II है इसमें क्रॉप फैक्टर है, तो आपको वीडियो कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा 4K रिकॉर्ड करोगे तो ऐसे क्रॉप हो जाएगा, जैसे 1080p में आप स्विच करोगे तो वापस से इस टाइप से आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। तो 4K है इसमें बट वो इतने काम का नहीं है, उसमें ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस भी वर्क नहीं करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में जो है आई ऑटो फोकस दिया गया है। M50 Mark II वीडियो करते वक्त भी आई ऑटो फोकस को सपोर्ट करता है, ये भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा इन दोनों में ऐसे जो है ना प्राइस का ही ये अंतर है, तो इस प्राइस के अंतर में आपको 4K रिकॉर्डिंग ज़्यादा देखने के लिए मिलती है और 100 फोटोज आप इस A6100 कैमरे में ज़्यादा खींच पाओगे। और इसके अलावा इन दोनों कैमरों में ऐसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, तो आज के टाइम में अगर 4K का मेरा कुछ भी काम नहीं पड़े कि भाई मैं 4K यूज़ नहीं करूँगा, मैं ओनली यूट्यूबर हूँ, मेरे को तो बस यूजबिलिटी से मतलब है, तो मैं M50 Mark II कैमरा लेना चाहूँगा, क्योंकि
15,000 की तो ये सेविंग हो रही है, प्लस यूजबिलिटी भी तो चीज़ होती है ना यार, ऐसे झट से डिस्प्ले हमारे तरफ की और ऐसे सेटिंग चेंज करके शुरू कर दिया, तो वो वाली भी है। और ऐसे पकड़ने में भी, हाथ में पकड़ने में, ऐसे लोग कहते हैं कि भाई M50 Mark II थोड़ा सा सरल है, बट इतना मेरे को तो कुछ देख ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे जब भी मैं कैमरा दोनों को मैंने यूज़ किया है तो बेसिकली ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे आदत पड़ जाती है धीरे धीरे। जो 15,000 रुपये आप ज़्यादा दे रहे हो A6100 के, ये बेसिकली एक 4K रिकॉर्डिंग के लिए ही दे रहे हो। इसके अलावा दोनों में हम ऐसे बेसिकली बात करें तो सिमिलर से ही आपको फीचर देखने को मिलते हैं। बैटरी दोनों में आपको एक्स्ट्रा कैरी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि इसमें आप 1,000 शॉट ले पा रहे हो, तो ये बात है। आज के टाइम में अगर मैं लेना चाहूँ तो इन दोनों कैमरों के बजाय मैं तो आज के टाइम में A6400 लेना चाहूँगा। इन दोनों कैमरे में से प्राइस टू परफॉर्मेंस की हम बात करें तो M50 Mark II यहाँ पर विनर होता है बेसिकली। ये दोनों ही कैमरे जब 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो दोनों में इतना कुछ भी फ़र्क नहीं है कि आप दोनों की इमेजेस देखोगे तो आपको कोई भी फ़र्क नहीं देखने के लिए मिलेगा। प्लस हम ऐसे रिलायबिलिटी की बात करें ऑटो फोकस की, तो किट लेंस जैसे कि M50 Mark II में 15 से 45 mm का आता है और इसमें जो 16 से 50 mm का आता है, तो जो सोनी में किट लेंस आता है ये एक पावर जूम लेंस है, बटन से ही आप इसमें जूम और जूम आउट कर पाओगे, बट उसमें जो M50 Mark II में ऐसे हाथ से घुमा करके ही जूम करना पड़ेगा। बट हाँ, ऐसा इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ऐसे परफॉर्मेंस में सेम ही वर्क करते हैं। अगर हम माउंट की बात करें तो इसमें EFM माउंट दिया गया है M50 Mark II में, और इसमें जो है E माउंट दिया गया है, सोनी E माउंट। तो E माउंट को ऐसे खोला गया है तो हर कोई भी माइक वगैरह बना सकता है। माइक हिल गया तो ऐसे माइक का आवाज़ आ रहा है मेरे से, माइक का सब निकल रहा है, माइक सब छोड़ो यार। जो सोनी का ई माउंट है ना, यहाँ पर सभी कंपनियाँ यहाँ पर लेंसेज बना सकती, सभी को ऐसे साइंस दी गई है लेंस की, तो आपको थर्ड पार्टी लेंसेज सोनी में ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, सस्ते लेंसेज। वहीं पर हम EFM लेंसेज की बात करें तो यहाँ पर अभी कम लेंस है, ऐसे आप अडेप्टर लगा करके ऐसे जो भी कैनन के दूसरे लेंसेज हैं उनको यूज़ कर पाओगे, तो ऐसे ऐसे आपको बेसिकली इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि भाई यार ये ले लिया तो लेंस ही नहीं है, तो ऐसा फ़र्क पड़ने वाला नहीं, अडेप्टर के साथ आप इनको यूज़ कर सकते हो। इस वाले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार। बाय बाय।